तो ये है क्रिकेट के कुछ ऐसे रन आउट जो आपको सच में हैरान कर देंगे। दोस्तों, जब भी विकेट के पीछे से खेल बढ़ाने की होती है तो सबसे पहले दिमाग में तो MS धोनी का ही नाम आता है। कुछ ऐसा ही IPL में CSK और पंजाब के बीच एक मैच में हुआ। जॉर्डन की बॉल पर भानुकराज पचे बॉल को डिफेंड करके भागने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस जॉर्डन तेजी से जाकर बॉल को पकड़ लेते हैं और स्टंप की ओर थ्रो करते हैं। इधर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े धवन राजपच को वापस लौटा देते हैं। विकेट के पीछे खड़े MS धोनी अच्छे से जानते हैं कि जॉर्डन की थ्रो मिस हो सकती है, इसलिए वो तेजी से भागते हुए स्टंप के करीब आ जाते हैं और अंतिम समय पर डाइव लगाकर राजपचे को रन आउट कर देते हैं। नंबर 2, दोस्तों, चीता की चाल, बाज की नज़र और सर जडेजा के थ्रो पर कभी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी मात दे सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के स्टू स्मिथ के साथ। जसप्रीत बुमराह की एक बॉल स्मिथ के बल्ले की एज लेते हुए लेग साइड की ओर जाती है, जहां बाउंड्री पर जडेजा तैनात थे। जडेजा को दूर देखकर स्मिथ दूसरे रन के लिए भाग जाते हैं और जडेजा की थ्रो सीधे स्टंप पर आकर लगती है और स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता तय करना पड़ जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ डेविड वार्नर के साथ। मौका था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच का। डेविड वार्नर आउटसाइड पर टैप करके एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे और वहां मौजूदा फील्डर टेम्बा बबुआ के पोजीशन के हिसाब से एक आसान सिंगल होने वाला था, पर साउथ अफ्रीका अद्भुत रन आउट का कुछ अलग ही कनेक्शन है। बबुआ ने एक हाथ से बॉल को उठाया और हवा में उड़ते हुए स्टंप पर निशाना लगा दिया। डेविड वार्नर सोच रहे थे कि वो आराम से क्रीज पर पहुंच जाएंगे, पर बबुआ के अमेजिंग एफर्ट ने उन्हें गलत साबित कर दिया। दोस्तों, ब्रेंडन मैकुलम अपने आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, पर उनकी फील्डिंग भी सुपरमैन से कम नहीं है। ऐसा ही एक अमेजिंग फील्डिंग एफर्ट श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में देखने को मिला। चिल मैकेलर की बॉल पर नुआन कुला तेज तरारा शॉट मारते हैं जो सीधा बाउंड्री को जा रहा होती है, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम बीच में सुपरमैन जंप लगाते हुए बॉल को रोक लेते हैं। अब कहने को तो ये एक ड्रॉप कैच था। ब्रेंडन मैकुलम के अलावा शायद ही कोई बॉल को हाथ लगा पाता। इतने सब के बावजूद भी मैकुलम हार नहीं माने और तेजी से बॉल को बॉलर की ओर फेंका और नुआन कुलेसा को आउट कर दिया। दोस्तों, बीबीएल के एक मैच में हमें एक ऐसा रन आउट देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल बर्थ स्कॉर्चर्स के हिल्टन कार्ट राइट ऑफ राइड की ओर शॉट मारते हैं और मौका देखकर दूसरे रन लेने के लिए भाग जाते हैं, पर वहां मौजूद फील्डर सीधे स्टंप की ओर निशाना लगा देता है। पहले तो विकेट कीपर बटलर बॉल को पकड़ने को सोचते हैं, पर जब उन्हें एहसास होता है कि बॉल सीधे स्टंप पर लग सकती है तो वो अपना पैर बीच से हटा लेते हैं और देखिए बॉल कितने यूनिक तरीके से स्टंप पर लगती है। दोस्तों, मौका था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का। क्रिस जॉर्डन की एक बॉल पर इमाद वसीम ऑफ साइड की ओर अपर कट मारते हैं जो बाउंड्री की ओर जा रहा होता है, पर जॉनी ब्रोस्टो जबरदस्त एफर्ट के साथ चौका बचा लेते हैं। इधर तीसरा रन दौड़ने के चक्कर में पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज इमाद वसीम और रिजवान के बीच मिक्सअप हो जाता है और मौका का फायदा उठाते हुए क्रिस जॉर्डन जल्दी से बॉल को कलेक्ट करके इमाद वसीम को सिर्फ 1 इंच से रन आउट कर देते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में सुरेश रैना और मोहित शर्मा के बीच जो कम्बिनेशन देखने को मिला वो आपको हैरान कर देने वाला है। सुरेश रैना की बॉल पर जोस बटलर शॉट मारते हैं जो बाउंड्री पर खड़े मोहित शर्मा के पास जाती है। बल्लेबाजों को डबल जाते हुए देख मोहित शर्मा नॉन स्ट्राइक एंड की ओर निशाना लगाते हैं। अब अगर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद ही बॉल को पकड़कर स्टंप पर मारने की कोशिश करता। सुरेश रैना पहले ही भाप लेते हैं कि थ्रो सीधे ही स्टंप की ओर जा रही है, बस यही देखते हुए बॉल को लीव कर देते हैं। नॉन स्ट्राइकर्स एंड की ओर भाग रहे बल्लेबाज इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं थे और वो क्रीज से शॉट रह जाते हैं जो सीधे पवेलियन की रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, IPL के बाद BPL को सेकेंड बेस्ट लीग ऐसे ही नहीं कहते हैं। यहाँ एक से एक अमेजिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं जो दर्शकों को दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। बल्लेबाज अलेक्सा कैरी एक शॉट मारते हैं
और रन लेने भाग जाते हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चरी एक अद्भुत एफर्ट के साथ बॉल को रोक लेते हैं। इधर दोनों बल्लेबाज के बीच आधी क्रीज पर मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलता है। आखिरकार अलेक्सा कैरी जेंडर एंड पर जाने के फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि शक्तिवीर कैरी क्रीज पर पहुंच पाते हैं, जोफ्रा लेटे लेटे स्टंप पर डायरेक्ट थ्रो मारते हैं और कैरी का खेल खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ये रहा अमेजिंग स्टंपिंग। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।